27 फरवरी को रामगढ़ उपचुनाव के लिए मतदान होना है और ऐसे में सभी दल फिलहाल तैयारियों में जुट चुकी है। आपने सुना कि अभ्यर्थियों का जो रणनीति है वो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि झारखंड को बने 22 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर झारखंड के अभ्यर्थी सड़क से सदन तक अपनी आवाज को उठाते हैं। और इस बीच आपने देखा होगा कि शीतकालीन सत्र में किस तरीके से अभ्यर्थियों ने विधानसभा का घेराव किया था, क्योंकि नियोजन नीति 2021 को झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था और ऐसे में कई परीक्षाएं और कई नियुक्तियां भी रद्द हो गई थी। तो अभ्यर्थियों ने कई विधायक और कई मंत्रियों से मुलाकात करने का यहां पर सिलसिला तेज कर दिया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक ओर जहां सरकार दावा कर रही है कि नई नियोजन नीति जल्द आएगी और ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी है वो काफी खुश थे, लेकिन अब कैबिनेट भी पार हो गया और कैबिनेट से उन लोगों को सौगात नहीं मिल पाई है, जिस वजह से अब अभ्यर्थी जो है वो फिर से एक बार अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच रामगढ़ उपचुनाव होना है और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि किस तरीके से युवा जो है वो प्रखंड में अपनी बात रखेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे और क्या क्या मुद्दा को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। क्योंकि सबको पता है कि किस तरीके से जो नियुक्तियां होती है, जो परीक्षाएं होती है, वो एक समय पर आकर रद्द हो जाती है, तो अभ्यर्थी हताश रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन सरकार लगातार ये दावा करती हुई नजर आती है कि जल्द ही नियोजन नीति बनाई जाएगी, 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाई जाएगी और वो भी झारखंड के हित में रहेगा। और ऐसे में तमाम जो दल है वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधी हुई रहती है जब सरकार की ओर से इस तरीके का बयान आता है। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार को घेरने का काम करती है, कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है और कहती है कि सरकार नीतियां ढंग से नहीं बनाती है, इसलिए पेच हमेशा फंस जाता है और उसका खामियाजा झारखंड के अभ्यर्थी उठाते हैं। लेकिन लगातार हम आपको हर वो स्टूडेंट से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे राय भी ले रहे हैं कि आखिर वो लोग क्या सोचकर अब राजनीति में पैर रख रहे हैं, आखिर क्या सोचकर वो लोग रामगढ़ उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो चलिए अब झारखंड के और भी अभ्यर्थियों से जुड़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं गौतम, हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ सोच लिए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि झारखंड में जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी परीक्षाएं रद्द हो जाती है और नतीजा आप लोगों के सामने है कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी है अब चुनावी रंग में पूरे तरीके से रंग चुके हैं। तो गौतम ये बताइएगा कि आप लोग जो ये रणनीति तैयार किए हैं कि इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्या कुछ पहला आप लोगों का मुद्दा रहेगा कि आप लोगों के बीच में जाएंगे? जी सबसे पहले नमस्ते मैम, झारखंडी जोहार करते हैं। और जिस प्रकार झारखंड सरकार ने हमारे जो प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी कर रहे हैं उन युवाओं को जिस प्रकार से छलने का काम कर रहे हैं, झारखंड को जिस प्रकार उम्मीद और भरोसा से रक्त गर्भा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन क्या जिस उम्मीद से युवा हेमंत सोरेन को चुनाव में जिताने का काम किए थे उस उम्मीद से नहीं उतरे हैं। और अभी रामगढ़ जिला में उपचुनाव है, आप देखे होंगे कि उपचुनाव में जब उनके मंत्रिमंडल के जो मंत्री आते हैं सत्यानंद भोक्ता जी और उनके कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी आते हैं, जब उनसे युवक सिर्फ कहते हैं कि 2 मिनट आप हमसे बात कर लीजिए तो वो बात भी नहीं करते हैं और वो गाड़ी धीरे से निकाल के चले जाते हैं। तो क्या झारखंड की युवा इतना भी अपेक्षा नहीं रखती कि आपसे 2 मिनट बात भी नहीं कर सकती है? हमें पूरा इस सरकार को, अगर हम मूल्यतः रामगढ़ के रहने वाले हैं, अगर इनके सरकार कोई भी आता है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि सरकार से यही पूछने के लिए कि आपने जो उम्मीद और भरोसा देकर हमें बड़ी बड़ी बातों कह के आपने जो सरकार में बैठे थे अभी भी आप नियोजन नीति बना रहे हैं कि नहीं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपके पास समय अब एकदम बिल्कुल नहीं है। इस उम्मीद के साथ हम लोग सरकार के जो भी व्यक्ति आएंगे उनसे हम लोग ये बात पूछने का काम करेंगे। आप मैम देखे होंगे कि किस प्रकार हमने मंत्रियों से पूछने के बाद युवाओं को किस प्रकार आक्रोश है। अब पूरे झारखंड में युवा अब देखे होंगे कि किस प्रकार सोशल मीडिया में सिर्फ 2 दिन से ही चल रहा है, मीडिया से भी सभी मीडिया ने इस प्रकार से सहयोग किए हैं और हम लोग आने वाले समय में भी सरकार को घेरने का काम करेंगे और चुनाव में आते हैं तो हम लोग भी एकदम युवा बढ़ के और आगे बढ़ के यहाँ चुनाव में एक
मात्र हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि इस बार युवा को चुने, क्योंकि सत्ता का जो सत्ता पार्टी का जो है उन्होंने आज तक हमारे मुद्दाओं को लेकर कभी किसी तरह की बात उन्होंने नहीं कही है, नहीं सदन में किसी प्रकार की बात कही है। मैम चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और कुछ उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।